हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मैं करुणा सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है आपका ये उद्देश्य बन चला है यूपी पुलिस के लिए, जिसमें आप रेडियो ऑपरेटर, पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि आपकी पॉलिटी स्टार्ट हुई है लास्ट फ्राइडे से, जिसमें आप पॉलिटी पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज आपके दो टॉपिक्स कवर करवाए जा चुके हैं। आपका थर्ड टॉपिक चल रहा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग, मतलब यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल्स कितने हैं, क्या क्या किस शेड्यूल में क्या दिया है, किस पार्ट में क्या पूछा गया है, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, ये सभी आपको कराए जा रहे हैं। तो आप सब जुड़िए पॉलिटी की क्लास से। ये आपको स्टेट एग्जाम चैनल के लिंक दे रखे, आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम चैनल दे रखा है आपको, ये लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस होती हैं वो मिले और आप टाइम से क्लास ज्वाइन करें। वीडियो की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है जिससे आप अपना रिविजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। 30 क्वेश्चंस आपके लास्ट क्लास में हो चुके थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? Which of the following articles specifically deals with the functions of the chief minister? Article 75, Article 163, Article 167, Article 168. Which is the correct option of this question? बताइए। ये है आपका आर्टिकल 167। आर्टिकल 175 में आपको बताया गया है एक मंत्रिपरिषद होगी जो किसके लिए उत्तरदायी होगी, जो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी, ये आपका बताया गया आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 168 में आपको बताए गए हैं मंत्रियों के पदावधि और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आर्टिकल 167। 32 क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज इंश्रिंक्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर है? देखिए, आप सभी को पता है कि नेचुरल जस्टिस हमने किसमें पढ़ा है, पढ़ा है हमने आर्टिकल 14 में, क्योंकि आर्टिकल 14 में आपको क्या दिया गया, विधि का शासन। नेचुरल जस्टिस आपका किसमें आ रहा है, विधि का जो शासन है उसमें, और आर्टिकल 14 आपका यही है विधि का शासन जो सभी के लिए समान है। आर्टिकल 16 में आपका दिया गया है लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता, मतलब लोक नियोजन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी स्टेट जो आपकी स्टेट सर्विसेज होती हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आपको 16 आर्टिकल में बताया गया है। और इसके बेसिस लिए गए हैं कितने, 7 बेसिस। कौन से साथ आपको आधार दिए गए हैं कि जिन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आपसे, वो भेद आपको साफ कौन से हैं बताइए, वो 7 भेदभाव है आपको, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, ये ऐसे 7 आधार आपको आर्टिकल 16 में बताए गए। आर्टिकल 19 में आपको क्या बताया गया, यहाँ पर आपको बताया गया है कि बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, आप जो चाहे व्यापार कर सकते हैं, तो ये सब आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है आप ये भी जान लीजिए। आर्टिकल 21 में आपको कहीं भी किसी भी अपनी मर्जी से, जो सबसे फेमस आप लोग पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि विवाह करने का अधिकार, वो भी इसी में आता है, अपनी मर्जी से खाना पीना जीने का अधिकार, ये सब आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। कभी कभार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्टिकल 19 में आएगा या आर्टिकल 21 में आएगा, तो ये सब जो बताया है हमने, खाना पीने खाने का, जिसे चाहे मानने का, जिसे चाहे ना मानने का, तो ये आर्टिकल 21 में देता है। कौन
सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। आपने बताना है कि कौन सा विषय जो स्टेट लिस्ट है उसमें नहीं है, बताइए। लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, जेल, पुलिस, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपकी स्टेट लिस्ट में नहीं आता? बताइए। ये आपका है शिक्षा, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन किसमें आता है? एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। आप सभी को पता है जो हमारा शेड्यूल कौन सा है, जो हमारा शेड्यूल 7 है, इसमें तीन तरह की लिस्ट दी है। कौन सी लिस्ट? स्टेट, सेंट्रल और साथ ही साथ आपको कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कौन लॉ बनाता है? आपका स्टेट बनाता है। सेंट्रल लिस्ट जिसमें सेंटर बनाता है या संघ बनाता है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें जो भी विषय है उन पर आपके जो लॉ है स्टेट भी बना सकता है और साथ ही साथ संघ भी बना सकता है। तो शिक्षा ऐसा विषय है जिस पर लॉ स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। तो ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ये कौन बनाता है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का है, जेल भी स्टेट लिस्ट का है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। किस आर्टिकल में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी अब बैन है, नहीं होनी चाहिए? बहुत ज्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में ये, बहुत ज्यादा। तो ये है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत हमने अस्पृश्यता का अंत करने की बात बोली है और किया भी गया है। आर्टिकल 16 अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 जो आपका आर्टिकल 18 है, इसमें क्या बताया गया? इसमें आपको उपाधियों का अंत किया गया है कि मतलब हम लोगों को कोई भी ऐसे उपाधियां नहीं दी जा सकती। जैसे आप कुछ लोग कहेंगे कि भारत रत्न वगैरह दिया गया, तो भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये उपाधि नहीं है कोई भारत रत्न, और ना ही कोई अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकता है, ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में हमको दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंश्योर्ड? बताना है किस भाग में आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं। पार्ट 5, पार्ट 2, पार्ट 4 है, पार्ट 6 किस पार्ट में दिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई है वो दी गई है हमारे पार्ट 4 में। पार्ट 5 में दिया है हमने सेंटर, संघ जिसे हमने कहा है। पार्ट 2 में हमने दिया है सिटीजनशिप, मतलब कि नागरिकता। पार्ट 6 में दिया है हमने राज्य। पार्ट 4 हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 4 जो है उसमें हमने दिया है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 मतलब आर्टिकल 25 संबंधित है। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है ये पूछा गया। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका आर्टिकल 15 है। ये कौन सा आर्टिकल? यह आपका आर्टिकल 15 है जो बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब आपने बताना है इसमें से कौन सा आर्टिकल 25 है। तो आपको बता दें कि जो आपका ए ऑप्शन है, मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, तो ये आपका आर्टिकल 25।
45 में आता है। शिक्षा का अधिकार हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था उसके तहत हमारा आर्टिकल 21 के ए में आया है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका आर्टिकल 15 है जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका आर्टिकल 15 है। 37 क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है, मतलब विच आर्टिकल डिफाइन द प्रोविजन फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ऑप्शन ए आपका दे रखा है आर्टिकल 357, आर्टिकल 356, आर्टिकल 353, आर्टिकल 351। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक तंत्र की विफलता को बताता है, बताइए। यह है आपका आर्टिकल 356 जिसमें क्या है, जिसमें है आपका राष्ट्रपति शासन। जब लगता है राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब किसी स्टेट की नहीं, जब किसी नेशन की आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब सरकार वहां नहीं रह जाती, तब आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये क्या हुआ, संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 में आता है। ठीक है, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है आपको पता होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और एक होता है आपका वित्तीय। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, आर्टिकल 154 राष्ट्रीय कार्यपालक शक्तियां, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, आर्टिकल 163 राज्य मंत्री परिषद। कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है बताइए। क्या दे रहे हैं आप सब, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो आपका सी ऑप्शन है ए बी सी ये गलत है। आर्टिकल 156 में हमने क्या दिया है, आर्टिकल 156 में हमने इनकी पदावधि दी है, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया हमने आर्टिकल 156 में। ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है तो योग्यता है, ये आता है आपके आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 157 में ये पूछा जाता है आपसे राज्यपाल की नियुक्ति है तो योग्यता है। 156 राज्यपाल की कितनी पदावधि होती है, मतलब कितने टाइम तक वो काम कर सकता है, ये आपका है आर्टिकल 156। तो ये गलत है। नेक्स्ट द फॉलोइंग वाला फिर से क्वेश्चन है, देखिए आर्टिकल 243 है, 243I, 243K और J मैच करना है आपको। राज्य का वित्त आयोग, ग्राम सभा, राज्य चुनाव आयोग, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा मैच करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहीं से मैच कर लीजिए, अगर आपको एक भी पता है तो ये मैच हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 243 ये ग्राम सभा के बारे में बता रहा है, तो ए का दूसरा कहां पे आ रहा है, ए का दूसरा आ रहा है हमारे बी ऑप्शन में, मतलब कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 243I राज्य का वित्त आयोग के बारे में बात करता है, 243K राज्य के चुनाव आयोग के बारे में बात करता है, 243J पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा के बारे में बताता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, Which part of the constitution deals with the administration of union territories? Part 5, Part 6, Part 7, Part 8, बताइए। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है कौन सा पार्ट, 5, 6, 7, 8। आपका पार्ट 5 संबंधित है, पार्ट 5 आपका किससे रिलेटेड है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से, पार्ट 6 राज्य के, पार्ट 7 हटा दिया गया है, पार्ट 8 में हमने क्या बात की है। पार्ट 8 पे क्या बात की है बताइए।
41 है हमारा, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किसके माध्यम से पेश की गई थी, मतलब किस संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा ये जो 10th शेड्यूल है ये ऐड किया गया था, बताइए। 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम, या 1992 का 73वां संविधान संशोधन, या 1992 का 74वां संविधान संशोधन, या 2003 का 51वां संशोधन अधिनियम, किसके तहत हमने 10th शेड्यूल ऐड की थी, बताइए। ये हमने की थी 1985 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची हमने अपने संविधान में ऐड की थी। सबसे पहले हमने अपने जो संविधान संशोधन किया, जिसमें हमने 9वीं संविधान, जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान में ऐड की, मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, जो 1951 में कितनी हो गई, 1951 में हो गई 9, क्योंकि हमने 9वीं कब ऐड की, 1951 में। कौन सी ऐड की थी, 1951 में हमने अपना पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी, ठीक है। यह हमारा पहला संविधान संशोधन था। फिर हमने दूसरे जो 52वां संविधान संशोधन किया, उसमें 1985 में हुआ, हमने उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी। इसके तहत क्या था, 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं दल बदल अधिनियम, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद में या कब जब दल बदला जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है, इसका आधार बताया गया है 52वें संविधान संशोधन में। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया था, 1992 के जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये पंचायत राज, जो पंचायत राज हमारे यहाँ ऐड हुआ है, ये हमारे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 52वां 1992 में जो हमारा 74वां संशोधन अधिनियम हुआ है, ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। सही कथन पर विचार करें, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 15(1) में दिया है, सिफारिश की गई कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 15(1) रिकमेंड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ सेक्स। आर्टिकल 16(1) में बताया गया है, राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में, रोजगार या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की गुणवत्ता की वकालत करता है। आर्टिकल 16(1) एडवोकेट्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर अंडर द स्टेट। अब बताना है आपको फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों करेक्ट नहीं है, बताइए। ए में दिया है ओनली वन, बी में ओनली टू, सी में वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, डी में नन ऑफ दीज। देखिए आर्टिकल 15(1) बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया सिफारिश की है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर, केवल लिंग नहीं, पांच आधार बताए गए हैं, लिंग, जाति, ठीक है, लिंग, जात, जन्म स्थान, इन सभी के पांच आधार बताए गए, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो सिर्फ अगर हम बोले तो गलत है यहाँ पर। तो इसलिए आर्टिकल जो 15(1) यहाँ पर 15(1) की डेफिनेशन दे रखी है, ये गलत है। 16 बिल्कुल सही बताया गया, 16(1) में बताया गया कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में, रोजगार या नियुक्ति के सभी नागरिकों के लिए अवसर की गुणवत्ता की वकालत की गई है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338(b) पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंथा स्थापित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 338(b) नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो आपका 338(b) है ये कब जोड़ा गया, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया, किस संशोधन के तहत आया है ये, 103वां, 102वां, 104वां, 105वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया है, बताइए।
किस संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया है ये आपको बताना है। ये जोड़ा गया है हमारा 102वां संशोधन अधिनियम 2018, ठीक है, 102वां संशोधन अधिनियम 2018। 100वां संशोधन जो हुआ था वो किससे संबंधित था, वो हमारा बांग्लादेश से संबंधित था, जिसमें बांग्लादेश और हमारे देश मतलब भारत के बीच कुछ क्षेत्र लिए गए थे, कुछ क्षेत्र दिए गए थे। 101वां जीएसटी से संबंधित है, बाकी 102वां आपका 338B मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है, आर्टिकल किस पार्ट में बताया गया है आपको का संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है बताइए। किस आपके पार्ट में बताया गया है, तो ये बताया गया है आपके किस पार्ट में, पार्ट 11 में अध्याय 2 में ये आपको बताया गया है संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला दे रखा है मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड टू असिस्ट द मिनिस्टर। सी दे रखा है राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन अपॉइंटिंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज फ्रॉम अमंग द लेजिस्लेटर्स। डी दे रखा है आपका तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर पार्लियामेंट्री। कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये आपको बताना है बताइए, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। बताइए संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, देखिए ये आपका डी गलत है। पूछे क्यों, क्योंकि जो सचिव होते हैं ये शपथ नहीं लेते, ये ओथ नहीं लेते हैं, तो ये गलत है। बाकी अगर पूछा जाए ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में ही बताया गया है, जो हमारी पहली शेड्यूल है मतलब जो अनुसूची एक है इसमें हमने बात क्या की है, इसमें हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की है। दूसरी जो हमारी अनुसूची है इसमें हमने वित्त मतलब सैलरी के बारे में बात की है कि क्या किसकी सैलरी होगी, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर और जो प्राइम मिनिस्टर है मिनिस्टर है इन सबकी क्या सैलरी होगी, क्या इनको पेंशन मिलेगी, क्या इनको जो भत्ते होते हैं वो सब मिलेंगे, तो उसके बारे में हमने बात की है कहाँ, सेकेंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में हमने शपथ के बारे में बात की है कि कौन क्या जो शपथ का प्रारूप पत्र होता है वो तीसरी अनुसूची में होता है, लेकिन इसके एग्जेप्शन है 3 लोग, कौन से 3 लोग, एक तो जो प्रेसिडेंट है हमारा वो थर्ड शेड्यूल के तहत ओथ नहीं लेता है, वो कहाँ से किस तक किसके तहत ओथ लेता है, वो लेता है आर्टिकल 60 के तहत। दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति जिसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारा ओथ लेता है आर्टिकल 39 के तहत। एक गवर्नर वो भी ओथ थर्ड शेड्यूल के तहत नहीं लेता है, ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है, बाकी सभी लोग ओथ लेते हैं जो आर्टिकल जो प्रारूप पत्र दे रखा है आपका शेड्यूल थर्ड में उसके तहत, लेकिन जो सचिव है वो नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब 11वीं अनुसूची में कौन सा आपका सब्जेक्ट नहीं है, काजी हाउस, एनिमल हस्बेंड्री, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, काजी हाउस, पशुपालन, गरीबी अनुकूलन कार्यक्रम, लघु वन उपज। बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है जो वो आपको बताना है, तो
देखो आप सभी को पता है जो काजी हाउस है ये हमारा अलगंत शेड्यूल से रिलेटेड नहीं है। बाकी एनिमल हस्बेंड्री, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये आपके किसके सब्जेक्ट हैं? ये आपके 11th शेड्यूल के सब्जेक्ट हैं। अब आपको पता होगा 11th जो शेड्यूल है हमारी 11वीं अनुसूची, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी ये कब ऐड की? अभी आपने पढ़ा था 1992, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत ये ऐड की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए, आपको प्रीएम्बल वाला टॉपिक कराया गया होगा, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए, बहुत अच्छे से कराया होगा ये आपके लिए, क्योंकि आपका प्रीएम्बल की दो क्लासेस हुई थी तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराया गया है, तो ये आप आंसर देंगे बिना गलती के। बाय द 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म एंड यूनिटी। बताइए, एकता और अखंडता, धर्म निरपेक्षता, एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता, समाजवादी धर्म निरपेक्षता एवं एकता, कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है कि जो हमने 42वां संविधान संशोधन किया कब हुआ था? ये 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन। इसमें हमने एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जो कब किया गया? 1976 में, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से तीन शब्द जोड़े? ये हमने जोड़े पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, मतलब सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रेड एंड कॉमर्स? पार्ट 13, पार्ट 12, पार्ट 14, पार्ट 15, कौन सा पार्ट संबंधित है ये बताना है आपको। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रेड एंड कॉमर्स? तो ये आपको पता है आपका पार्ट 13 ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है। संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द 42th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन? 1976, 1977, 1978, 1979। अभी आपको बताया है लास्ट क्वेश्चन में कि 42वां संशोधन किस ईयर हुआ, अभी बताया, इवन लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि प्रीएम्बल कब चेंज किया गया, मतलब प्रीएम्बल में कब बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, तो ये आपका किया गया 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने अपने संविधान में बहुत सारी बातें ऐड की हैं, तो ये 1976 को हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 में, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1978। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था ये आपको बताना है। 91वें, 41वें, 42वें, 44वें, 44वें, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? आप सभी को पता है जो हमारा मूल संविधान बना था तब हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ 1978 में, इसमें हमारा जो संपत्ति का अधिकार था
कहाँ काट दिया गया? 300 ए में हटा दिया गया यहां से, ठीक है? जो अब क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं रखा गया। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। फिशरीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वार एंड पीस, फॉरेन ज्यूरिडिकेशन। कौन सा नहीं है आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट? अभी आपको बताया हमारे 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है, जो कौन कौन सी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसे हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब आपको बताना है यूनियन लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो आपको पता है यहाँ पर जो फिशरीज है वो हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बाकी यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बार एंड पीस, फॉरेन ज्यूरिडिकेशन, ये हमारे तीनों यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन का अधिनियम कब लागू हुआ? When did the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act come into force in India? In which year? 2010, 11, 13, 14. कब आया? बताइए। ये आपका आया 2014 में, ठीक है? ये आपका आया 2014 में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूहों को पहचाने। बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, संथाली हिंदी संस्कृत, गुजराती मराठी अंग्रेजी, जो 8th शेड्यूल में आती हैं उनको पहचानना है। बताइए। तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है संथाली हिंदी संस्कृत। कौन सी है? संथाली हिंदी संस्कृत। ये आपकी 8th शेड्यूल में आती है। 8th शेड्यूल में आपकी कितनी कुल भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है? 22 भाषाओं को जोड़ने में भी हमने कई बार संशोधन किया है, क्योंकि 21वां संविधान संशोधन हुआ तब हमने सिंधी को जोड़ा, फिर हमने किया संशोधन कब, 91वां संविधान संशोधन किया तब हमने जोड़े 3 भाषाएं। कौन सी, कौन सी 3 भाषाएं थी बताइए? नेपाली, मैथिली, कोंकणी। फिर हमने फिर संशोधन किया कब, 92वां संविधान संशोधन किया, सॉरी 91वां संविधान संशोधन किया, तब हमने 4 भाषाएं और जोड़ी। कौन सी? बोडो, डोगरो, संथाली, मैथिली, ठीक है? परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट फैमिली वेलफेयर इज गिवन? बताइए किस अनुसूची में है? 4थी, 6ठी, 9वीं, 11वीं, किस अनुसूची में है ये पूछा गया है आपसे। परिवार कल्याण, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे 11वीं अनुसूची में है, जिसमें हमने पंचायत राज के बारे में बात की है, ये हमारे उसी अनुसूची में है, ठीक है? परिवार कल्याण। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? 4th, 8th, 10th, 12th, कौन सी शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता रही है? अभी बताया भी गया है आपको, ये है हमारी 10th शेड्यूल, जो कब आई, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई 10th शेड्यूल, जिसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया है। 4थी अनुसूची में हमने क्या बताया, हमने राज्य में क्या बताया, सीटों के संबंध में, केंद्र और राज्य में
राज्यसभा के लिए सीटों का जो प्रबंध होता है उसके बारे में बताया। आठवीं अनुसूची में हमने भाषा के बारे में बताया है। बारहवीं अनुसूची में हमने क्या बताया, नगर पालिका से संबंधित। चलिए आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग मिलिएगा कल सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास में। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी का जो मेन टॉपिक है कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर हुआ ये। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा शाम की क्लास का संविधान सभा और संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास, ठीक है। बाकी ये आपका मिशन अभ्यास चल रहा है SSC HSL के लिए, जिसमें आपकी ये चारों फैकल्टीज, पांचों फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। SSC CGL का मेंस बैच चल रहा है, जिसमें ये चारों फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। आपका यूपी पुलिस के लिए उद्देश्य बैच चल रहा है, जिसमें आपको इतिहास, हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, मैथ्स, विज्ञान, राजनीति पढ़ाई जाती है। हिंदी आपकी सुबह 11 बजे पढ़ाई जाती है और शाम को 6 बजे होती है आपकी पॉलिटी की क्लास, ठीक है। ये आपको सरकारी परीक्षा चैनल्स के लिंक दे रखे हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखा है, इसको ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन को दबा के अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाकी थैंक यू, कल से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं सुबह 11 बजे की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।